तो फ्रेंड्स, सुभाष पंडा जी नहीं है, क्योंकि शैलेंद्र जी को सुभाष पंडा जी जितने नज़दीक से जानते हैं उतना नज़दीक से मैं नहीं जान पाया हूँ अभी, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं आज क्यों एक्साइटेड हूँ। मुझे ना ये क्वेश्चन बार बार आता है, पार्ट टाइम फुल टाइम, सर हम तो पार्ट टाइम में कर रहे हैं। लोगों का ना ये मेंटल मेकअप हो गया है कि पार्ट टाइम में 3 साल लगते हैं शिक्षा करने में, 4 साल लगते हैं, और बड़े खुश होते हैं वो करके। शैलेंद्र जी की जहां तक मेरी जानकारी है, इन्होंने पहली बात तो ये राजस्थान पुलिस में है और ऐसी ड्यूटी में है जहां से टाइम निकालना मुश्किल काम, बट इन्होंने जब जब नेटवर्क मार्केटिंग किया है, इसके पहले भी आरसीएम में थे ये, तो लंबी लंबी छुट्टियां ले लेते हैं विदाउट पे वाली, क्योंकि तो इनका विजन बड़ा क्लियर है, लंबी लंबी छुट्टियां ले लेते हैं विदाउट पे और टारगेट बना के काम करते हैं। अभी शैलेंद्र जी को मुझे लगता है वर्किंग 6 महीने हुए हैं। शैलेंद्र जी मैं गलत हूं तो बताइएगा, वर्किंग कितना हुआ है हमारे यहाँ इनेजिक में? आठ आठ 8 महीने से ज्यादा हो गए सर। 8 महीने हो गए और 8 महीनों में ये 65 क्रॉस कर चुके हैं, अंडर 8.65, वो भी पार्ट टाइम। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। 69 हो गया सर कल। अच्छा, 69 हो गया, ग्रेट। मतलब ये मैक्सिमम 2-3 महीने में 6-8 करने वाले, तो मुझे लगता है कि 1 साल में ये मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं पार्ट टाइम में। तो इनकी जो वर्क हैबिट्स है ना, वो इतनी स्ट्रांग है, और जब जब इनसे मेरी फोन पे बात होती है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। एक कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए एक नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों का, वो उसके जीते जागते नमूने हैं मेरे हिसाब से। तो कहा जाता है ना, पूत के पांव पालने में ही पता लग जाते हैं, और नॉलेज इतनी गहरी है कि मेरे रिक्वेस्ट पे ये एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत शानदार टॉपिक है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, इस पे हम लोग प्रशंसा करने के बिजनेस पे है। प्रशंसा को हम लोग एडिफिकेशन बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, नेटवर्क मार्केटिंग के लैंग्वेज। तो एडिफिकेशन हम लोग ना कई बार प्रोडक्ट का करते हैं, कंपनी का करते हैं, प्लान का करते हैं, अपलाइन का कम करते हैं, और कभी कभी डाउनलाइन का भी नहीं करते हैं, जबकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रोडक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन। गेस्ट का खूब करते हैं। हाँ, गेस्ट का खूब करते और क्रॉस लाइन का भी नहीं करना चाहते, लगता है क्रॉस लाइन का धंधा बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसा डर होता है लोगों के अंदर में। ठीक है, कई बार तो डाउनलाइन आके गेस्ट का इतना एडिफिकेशन करते कि ऐसा लगता है इसके पैर पकड़ लूँ। वाह मेरे भाई, तू कहाँ से लाया इतना बड़ा क्या? तो ये शैलेंद्र भाई आज जो एडिफिकेशन के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ बट रिकॉर्डिंग का कोई भरोसा नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी कभी फेल भी हो जाती है, तो आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। वैसे तो मैं अगर रिकॉर्ड हो गया तो ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगा ताकि बार बार हम लोग इसको देख सकें। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके हो, ध्यान से सुनेंगे ना तो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे, आपको लगेगा ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है, जो भी आपके मन में प्रश्न है उसको लास्ट में आप पूछ सकते हैं। तो सुरेंद्र भाई, अब आपका टर्न है, आपको मैं स्पीकर व्यू में कर दे रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी आए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और बाकी सभी लोग अपना म्यूट रखिएगा, खासकर जो को-होस्ट है सभी लोग म्यूट रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक सर को कि वो मुझे बार बार मौका देते हैं ताकि मैं अंदर से खुल पाऊं और खिल पाऊं, क्योंकि पिछले अगर देखें 20 साल में तो मेरा 10 साल ऐसा रहा था कि वहां पे बहुत अच्छे लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने किया था, लेकिन पिछले 5 साल से मैं टूट गया था नेटवर्क मार्केटिंग से।
क्योंकि एक जो बूम आया था 2011-12 में, बहुत सी कंपनियां हैं वो एक बार बंद हुई थी, जिसमें आरसीएम का भी एक बार नंबर आया था 1-1.5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद में दोबारा से मैं नहीं कर पाया। बहुत जगह बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचे लेकिन कंपनियां नहीं रही। धन्यवाद हो सुभाषजी मंडा का कि वो एक बार फिर से मुझे धारा में लेके आए और इस बिजनेस को मुझे दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका बहुत आभारी हूँ। और साथ ही स्वर्गीय सतीश जी पंडित का कि जिन्होंने पॉजिटिव रखा बुरे हालात में, बुरे माहौल में भी, और उनसे जो सीखा वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो बिजनेस है इसमें दो तरीके की चीजें रहती है कि इसको, ये एक तो बहुत आसान है और इसको हर कोई कर सकता है। लाखों लोगों ने इंडिया में अभी कर लिया है और करोड़ों लोग करने वाले हैं, लेकिन मोटिवेशन और ट्रेनिंग ये दो पार्ट रहते हैं इसके। इसके आप लेफ्ट और राइट मान सकते हैं इसको, और ट्रेनिंग इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और आज ऐसी एक विषय विशेष पे हम बात करेंगे। इस बिजनेस में कुछ लोग हेल्थ के लिए आएंगे और धीरे धीरे वो वापस आगे जाके वेल्थ की तरफ भी मूव होंगे, लेकिन कुछ लोग हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए आएंगे। जहां तक बात है वेल्थ की, तो जो लोग वेल्थ के लिए आएंगे कितना लेके जाएंगे उसका, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने पात्र है, क्योंकि पात्रता इस बिजनेस का इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आज ये समंदर है, जिसके पास जितना बड़ा पात्र है वो उतना लेके जाएगा उसमें से। बींग पेरेंट्स, आज हम देखते हैं हमारे दो बच्चे होते हैं तो हम उनको एक जैसी परवरिश देना चाहते हैं, एक जैसे कपड़े लत्ते एजुकेशन एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जिसमें पात्रता अधिक होती है वो हमसे अधिक पुरस्कार और रिवार्ड अवार्ड ले जाता है। और विधाता का भी यही नियम है कि वो हमेशा पात्र को ही देता है, प्रकृति भी हमेशा अल्फा को चूज करती है। मैं पंजाब के नजदीक से हूं तो पंजाब में सिख धर्म है, वहां पे 10 गुरु रहे हैं, और उन महापुरुषों ने अपनी जो परंपरागत गुरु गद्दी है वो अपने बच्चों को नहीं दी, वो अपने अनुयायियों में जो सबसे योग्य था उनको दी गई। उन्होंने जाति नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी, रिश्ता नहीं देखा, सिर्फ योग्यता देखी। और पात्रता की इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा तो बहुत है लेकिन वो ही लेके जाएगा जो पात्र होगा। और पात्रता के विषय में ये है कि कभी भी पात्रता किसी को जन्म से नहीं मिलती, इसको सीख के, इसको करके बनाया और बढ़ाया जा सकता है। आज जो आदमी जितना पात्र होगा उतना ही इस बिजनेस से लेके जाएगा। आज अगर अपने देखें, पैसा, हर आदमी पैसे के लिए काम करता है, लेकिन पैसे के साथ साथ वो सीखना कितना चाहता है, वो पात्र कितना बनता है, उसके सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है पैसा कमाने के लिए, कि वो पात्र कितना बनता जा रहा है। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो विषय है एडिफिकेशन, बढ़ावा देना। एडिफिकेशन के जो बेसिक मायने हैं, बनाना, बढ़ाना, अच्छा अच्छा बोलना, करना, मन, वचन, कर्म, शब्द, व्यवहार से अच्छा अच्छा करना और बोलना। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी तो आरसीएम में एक बहुत बड़े लीडर हैं मिस्टर मुकेश जी कोठारी, वो अपनी मीटिंग या सेमिनार को शुरुआत करवाने से पहले सबसे एक कमिटमेंट करवाते थे कि मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं कामयाब हूं, क्योंकि मैं लीडर हूं। और ये एक प्रोसेस है, साइकोलॉजी ये मानती है कि जैसा हम अज्यूम करते हैं अपनी जिंदगी में वैसा ही ये हम बनते चले जाते हैं। लॉ ऑफ नेचर है। साइकोलॉजी और फिलोसफी ये मानती है कि जो हम देते हैं या जो हम उच्चारण करते हैं वो कालांतर में तुरंत या कई जगह देर बाद कई गुना हो गए हमारे पास लौट के आता है, और जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। ऑफकोर्स ऑफकोर्स आपने देखा होगा बहुत सी जगह कि कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया, उन्होंने तरक्की की, लेकिन आपको लगता है कि ये तो उन्होंने 2 नंबर के काम से किया, तो वो शॉर्ट टर्म है, वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। क्योंकि जितने भी एम्पायर आज तक खड़े हुए हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में हो, या फिर बिजनेस के क्षेत्र में, बगैर ईमानदारी के वो
खड़े नहीं किए गए आज तक, ऐसा मेरा पर्सनल फर्म बिलीव है। आप भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि कोई भी चालाक, चतुर और शातिर आदमी बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत लंबा और बहुत आगे और बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। तो जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, और जो हम देंगे प्रकृति हमें कई गुना करके लौटाएगी। एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति था, उसके पिताजी है वो बुजुर्ग हो गए, वो चलने फिरने में, बोलने में, खाने पीने में असमर्थ हो गए। तो उसको लगने लगा कि ये तो अभी अनुपयोगी हो गए, तो उसने सोचा कि चलो इनको नदी में जल प्रवाह करके आते हैं। वो कंधे पे उठा के लेके गया और नदी में गहराई में जाके जैसे ही वो उनको फेंकने वाला था, तो बुजुर्ग ने बोला कि या मत फेंक, क्यों मुझे, तुम मुझे थोड़ा और आगे जाके और उससे भी आगे जाके गहरे पानी में फेंकना। तो उसने कहा क्यों बापू, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि यहां तो मैंने अपने पिता को फेंका था, तू मुझे और गहरे में डुबो ताकि तेरा बेटा तुझे और गहरे में डुबोए। तो जो हम बोएंगे दिस वे और दैट वे, हम वो काटेंगे। और इस इंडस्ट्री में बनाना बढ़ाना, किसकी एडिफिकेशन करनी है, कंपनी की करनी है, प्रोडक्ट की करनी है, अपलाइन की करनी है, डाउनलाइन की करनी है, क्रॉस लाइन की करनी है, मीटिंग, सेमिनार, बुक्स, इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, हर वो चीज जो इस बिजनेस से बिलोंग करती है उसकी एडिफिकेशन करनी है। और इस बिजनेस में रह के अगर हम ये सीख गए, तो ये आपका जो जीवन है, ये धार्मिक हो, पारिवारिक, सांसारिक हो, इस लोक का हो या परलोक का, वो सब सुधर जाएगा। इस तरीके का ये चीज हमारे स्वभाव में आ जानी चाहिए, एडिफिकेशन हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए, कि हमें लगे नहीं कि हम कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस ही काफी हो। कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति आता है, उसके आने से, दाखिल होने से, शामिल होने से ही माहौल में पॉजिटिविटी आ जाती है, क्योंकि वो स्वयं निर्मित होता है पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ। और क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं और लोगों को इसकी बहुत गहरे से समझ है, पॉजिटिविटी की खुशबू दूर से आती है, वो आपके चेहरे से झलकती है, आपके व्यक्तित्व से दिखती है। और दूसरा, हम किसी सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है। सेल करना क्या है कि आपने एक बार कोई प्रोडक्ट बेचा और आपको उसका फायदा हुआ। इस बिजनेस में आपकी टीम बनेगी, आपके साथ लोग आएंगे, लेकिन अगर वो लोग आपके साथ 2-4 साल तक लगातार जुड़े नहीं रहेंगे, तो आप इससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो 2-4 साल जुड़ेंगे, लगातार आपके साथ रहेंगे, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। लोगों को बहुत अच्छे से समझ है, लोग आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपको पहचानेंगे, वो आपके साथ और गहरे संपर्क में आएंगे। और वो अगर आप बनावटी तेर पर अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं है, तो जैसे ही लोग आपके संपर्क में आएंगे और वो आपको अंदर से जान लेंगे, तो वो छोड़ जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नेवर क्विट द बिजनेस, पीपल क्विट द पीपल। लोग लोगों को छोड़ जाते हैं और ये बिजनेस अपने आप छूट जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू देना, मान देना, अपलिफ्ट करना, लोगों को अच्छा अच्छा बोल के उनको अच्छा बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहना, और ये हमारे व्यवहार में हो जाना चाहिए, ये हमारे व्यवहार में हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं और हम लोगों का, सभी का एक ही स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि मुझे पीपी सर को, मनोज सर को, दीपक सर को कंपनी ने अलग से स्टेटस में क्वालिफाई किया और हमें अलग से डेजिग्नेशन दी गई या हमें अलग से अपॉइंटमेंट किया गया। IMA IBO, और हम सब क्या है, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हम सभी अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, हमारा, हम किसी के नौकर नहीं है, हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, और हमारा कोई बॉस नहीं है। तो इस बिजनेस में अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आएंगे, तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि क्यों नहीं आए, वरना, अगर, मगर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हम सब अगर वॉलेंटियर हैं
और हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपने इस स्वभाव से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों से बात मनवाई जा सके, लोगों से काम करवाया जा सके। और लोग जो हैं वो चार कारणों से काम करते हैं। पहला, लोग डर से काम करते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी चीज है कि लोगों को डरा सके? हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम लोगों को डरा के बिजनेस करवा लें। लोग लालच से काम करते हैं, तो हम किसी को ललचा भी नहीं सकते कि हम किसी को लालच दिखा के काम करवा लें। और तीसरा है, लोग प्यार से काम करते हैं, और प्यार एडिफिकेशन का ही एक पार्ट है। लोगों को अच्छा अच्छा बोल के, उनकी योग्यताओं का एहसास करा के, जो काम जामवंत ने हनुमान जी के साथ किया था, उसी भूमिका में रहते हुए लोगों के व्यक्तित्व के अच्छे, मजबूत, सही बनने वाले और बढ़ने वाले गुणों का बखान करके, उनकी उनको ये एहसास दिला के कि आप ये कर सकते हैं, उनसे काम करवा लेना ही एडिफिकेशन है। और दूसरा एक और विस्तृत विषय है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की ताकत। जो हम बोलते हैं वो इफेक्ट करता है। अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा इफेक्ट करेगा, और बुरा बोलेंगे तो बुरा इफेक्ट करेगा। इसीलिए बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि अशुभ मत बोलो, सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलते, शाम को ऐसा नहीं बोलते, या सोते वक्त ऐसा नहीं बोलते। इसका मतलब कभी भी बुरा नहीं बोलते। बोलना तो दूर की बात है, सोचने मात्र से भी इफेक्ट करता है। सोचने मात्र से भी इफेक्ट करता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे अच्छा हम बोल नहीं सकते, और जो बोलते हैं उससे अच्छा हम कर नहीं सकते। अगर हमारा इरादा है अच्छा करने का, तो उससे पहली शर्त है कि हमें अच्छा बोलना पड़ेगा। और अगर अच्छा बोलने का इरादा है, तो उससे पहली शर्त है कि हमें अच्छा सोचना पड़ेगा। कई बार हम झुंझलाट में, घबराहट में, गुस्से में, शिफत में बहुत उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं। मान लीजिए कि आपके बॉस का सुबह सुबह 8 बजे फोन आता है कि आप अभी तक ऑफिस पहुंचे नहीं, और आपको पता है कि 9 बजे पहुंचना होता है, लेकिन वो घर से फोन करता है कि आप तुरंत ऑफिस पहुंचिए, और ये काम करना है, ये ऐसे ऐसे बला बला ये करना है। आपको बड़ी कूढ़न होती है कि 9 बजे पहुंचना होता है। आप जल्दबाजी में आधी अधूरी सेव करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बगैर नाश्ता किए आप घर से निकल जाते हैं, और सोचते जा रहे हैं कि आज मैं जाके उसका तामझाम बिखेर दूंगा, फाइलों को पटक दूंगा उसकी मेज पे, और बोल दूंगा कि मेरे से ये काम नहीं होता, तेरे से जो अच्छा लगता है उससे करवा ले, मैं लात मारता हूं तेरी नौकरी को। हम ऐसा सोचते जा रहे हैं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं, तो एक बार रुकिए और सोचिए कि क्या मैं जो सोच रहा हूं मैं वो बोलने वाला हूं। अगर बोलने वाले नहीं है तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने सोच लिया और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया, और कभी गलती से गुस्से में आपने वो बोल दिया और वो एक्शन में आ गया, और आपने नौकरी छोड़ दी और आप घर बैठ गए, तो दिक्कत हो जाएगी। हम एक भाव में सोचते जा रहे हैं, रुकिए, फिर सोचिए, रुक रुक के सोचिए कि क्या जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं वो बोलने वाला हूं, और क्या जो मैं बोलने वाला हूं, क्या वो मैं करने वाला हूं। और करने वाले नहीं है तो बोलना नहीं है, और बोलने वाले नहीं है तो सोचना भी नहीं है। अच्छा सिर्फ योग्य और काबिल लोगों को नहीं बोलना है, अच्छाई की, सदाचार की, सत्कर्म की उन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है जो इसके लायक नहीं होते। अच्छाई, सदाचार और सत्कर्म उन लोगों पे ज्यादा असर करता है जो उसके लायक नहीं होते। बाइबल में एक जगह लिखा गया है ईश्वर के मुखारविंद से, वो हम लोगों के लिए बोलते हैं कि अगर तुम ठंडे हो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, और अगर तुम गर्म हो तो मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा, और अगर तुम गुनगुने हो तो मैं तुम्हें थूक दूंगा। और समाज में भी यही होता है, जो लोग चैलेंज फेस करते हैं हम उनसे दया करते हैं, और जो लोग मजबूत होते हैं हम उनको अनुसरण करते हैं, और जो मेरे और आपके जैसे बीच में कहीं होते हैं वो बीच में ही कहीं लटक के रह जाते हैं। तो ये
एडिफिकेशन जो है एक ऐसा विषय विशेष है जिसको बोल के कभी नहीं समझाना चाहिए। मेरा जो प्रयास है यहाँ पे वो आपको समझाने का सिखाने का नहीं है, मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। एक्चुअल में वर्चुअली एडिफिकेशन है क्या, किस चीज का एडिफिकेशन करना है, हर वो चीज जो इस बिजनेस से रिलेट करती है। क्योंकि हमें कौन सा पैसा आना है, हमें जो पैसा आना है वो पैसा है जो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है, और जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को बताने के लिए जाएंगे उन लोगों ने कभी भी टीवी पे इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा। हमारी अपलाइन काबिल है, कामयाब है, तो उनके बारे में भी उन्होंने अखबार में नहीं पढ़ा होगा, तो हमें बताना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्ट के बारे में, अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करते हैं तो हम लोगों का ध्यान खींचते हैं, और लोग बार बार जब एक ही एक चीज को सुनते हैं तो वो उस पर बिलीव करेंगे, क्योंकि इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट तो आती नहीं है। ये क्या चीज है ये हमने जाना, अभी हम जानेंगे कि ये क्या क्या काम करता है, क्यों करना चाहिए। बिकॉज एवरीबॉडी लाइक इट, हर आदमी अच्छाई को पसंद करता है, बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। एक चोर भी चाहता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे लॉयल हो, ईमानदार हो, और अच्छाई को हर जगह पसंद किया जाएगा जाता है। और आप अगर अच्छे बनेंगे तो आपको भी पसंद किया जाएगा। और इस इंडस्ट्री में एक कोट है कि इफ यू कैन सेल योर सेल्फ यू कैन सेल एनीथिंग। अगर लोग हमें पसंद करेंगे तो हमारे हर काम को भी पसंद करेंगे। डेल कार्नेगी अपनी किताब लोक व्यवहार में लिखते हैं कि हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनकी बुराइयों से भी प्यार करते हैं, और हम इन जिन लोगों से नफरत करते हैं उनकी अच्छाइयों से भी नफरत करते हैं। और हम ये तो बोल नहीं सकते कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा काम बहुत अच्छा है। यू विल हैव टू बी कांट प्रमोट योर सेल्फ, दैट्स वाई यू हैव टू नीड प्रमोट अदर्स। हम अपने आप को एडिफाई नहीं कर सकते, प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए हमें जरूरत है कि हम लोगों को, चीजों को एडिफाई करें। क्योंकि मैं अगर आपसे मिलूं और मैं आपको बोलूं कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपका शहर बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की गलियां बहुत अच्छी हैं, यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, अगर मैं अपने इर्द गिर्द की चीजों को अच्छा 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 कह के बोलता हूं तो इट मीन्स मैं ये बता रहा हूं कि मैं भी कोई चीज हूं। इसलिए प्रमोट करना है हर चीज को। दूसरा, बिकॉज योर पीपल डोंट लाइक यू। हमारे जो जानने वाले हैं, हमारे जो लोग हैं जिनके पास हम ये बिजनेस लेके जाएंगे, वो हमें एज ए बिजनेसमैन पसंद नहीं करते। और हमारे भाई को हम बताना चाहते हैं इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, और भाई को तो पता है कि ये तो जन्म से ही नालायक है, तो क्या वो हमारी बात को सुनेगा? लेकिन अगर हम अपनी अपलाइन को सही तरीके से एडिफाई करते हैं और उसके बाद में उनसे मिलवाते हैं तो वो सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से पिछले कुछ दिनों से मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हूं जो बहुत काबिल और कामयाब है, उनकी ये क्वालिफिकेशन है, उनका ये स्टेटस है, इस तरीके का उनका पिछला रिकॉर्ड है कि पिछली जिंदगी में उन्होंने ये किया, इस करके करने के बाद में आज वो इस लेवल पे हैं, इंडिया लेवल के वो लीडर हैं, इस तरीके की कुछ बातें करके अगर अपने, अब उस जो मेरे सीनियर है उन्होंने बताया कि इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें, आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिलाइए जो हेल्थ कॉन्शियस हो, एम्बिशियस हो, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, जो बड़े सपने देखते हो, जो मेहनती हो और ईमानदार भी। तो मेरे दिमाग में विचार आया कि क्यों ना आपको उनसे मिलवाया जाए, दोनों तरफ एडिफिकेशन हो गया।
और दोनों तरफ एडिफिकेशन करके अगर आप अपनी अपलाइन को मिलवाएंगे तो सुनेगा, और सुनने के बाद में अगर वो ज्वाइन करेगा तो स्पॉन्सर कहाँ होगा? हमारे नीचे। इसलिए एडिफिकेशन को अगर अपने सही तरीके से यूज करते हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इट्स वर्क्स लाइक ए थर्ड पार्टी। एडिफिकेशन जो है वो थर्ड पार्टी की तरीके से काम करता है, क्योंकि हम तीसरे व्यक्ति के नजरिए से बिजनेस को सीखते हैं, समझते हैं। एक दार्शनिक था जो एक बार एक नदी के किनारे सुबह सुबह गया, और नदी के किनारे जाने के बाद में उसने देखा और कहा, वाह वाह। तो पास में एक मछुआरा था, वो दौड़ के आया कि साहब क्या दिखा? तो दार्शनिक ने बोला, देखो क्या सीन है। तो मछुआरा बोलता, कहाँ किधर है? तो सामने देखो। मछुआरा बोलता, कुछ नहीं दिखा मुझे तो, मैं पिछले 40 साल से यहाँ रह रहा हूं, मैं, मेरे पिताजी, दादाजी सभी यहीं पले बड़े हैं, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखा। तो दार्शनिक ने बोला कि वो सामने देखो, जो सूरज है वो जो आधा अंदर है आधा बाहर है, उसको देखो, उसके आगे जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको देखो, जो दूर दूसरे किनारे पे जो पेड़ हैं उनकी जो परछाई पानी में गिर रही है उसको देखो, सूरज के आगे से जो जहाज निकल रहा है उसके धुएं के ऊपर जो लालिमा है उसको देखो, सूरज का प्रकाश है जो पानी के अंदर गिर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे आग ऊपर नीचे हो रही है, उसको देखो, इन सभी को मिला के एक साथ देखो। और जब मछुआरे ने ऐसा देखा तो उसने कहा, वाह क्या सीन है। उसने अपने परिवार को बुलाया, देखो क्या सीन है, आज तक क्यों नहीं दिखा? तो दार्शनिक ने बोला, आज तूने मेरी नजर से देखा। और बहुत बार लोगों के अड़ोस में पड़ोस में ये मशीन लगी होती है, लेकिन कोई भी आदमी अपनी नजर से प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में दिखा नहीं पाता। अगर अपने एडिफिकेशन सही तरीके से करें और उनको सही तरीके से दिखा दिया जाए तो उनको भी लगेगा कि वाह क्या सीन है। हमने एक मकान को किराए पे देना है और हम सामने वाले के सामने बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है जी, इसमें तो हवा बहुत आती है, ये है वो है, ये अच्छी अप्रोच है, लेकिन ये फर्स्ट पार्टी अप्रोच है, ये सेकेंड या थर्ड पार्टी अप्रोच नहीं है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है कि इससे पहले इस मकान में गुप्ता जी रहते थे तो वो बोलते थे कि इस मकान में बहुत शांति और सुकून है, इस मकान में जो भी रहता है वो स्वस्थ रहता है, इसका वास्तु ही इस तरीके का है। बोल आप रहे हो लेकिन शब्द हैं वो गुप्ता जी के हैं, ज्यादा असर करते हैं थर्ड पार्टी की तरह से अगर अपने अप्रोच करते हैं तो। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ ऊपर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ने वाले थे, और लिफ्ट में आपको पता ही 3x3 की जगह रहती है, जैसे ही दरवाजा खुला लिफ्ट में तो दीवार से सटे हुए एक बहुत ही खूबसूरत महिला खड़ी थी अंदर। तो मुल्ला जी बुजुर्ग आदमी, अब सोच रहे हैं कि देखूं कि ना देखूं, और ये भी पता है कि 15 सेकेंड का टाइम है तो सोचा देख ही लेता हूं, साथ में ये भी देख रहे हैं कि कहीं पत्नी तो नहीं देख रही, इसी अधर जुलमे की देखूं या ना देखूं, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कि कोई देखता ना हो, सोच रहे हैं कि देखूं ना देखूं, इस एंगल से देखूं उस एंगल से देखूं, कम देखूं ज्यादा देखूं। तभी वो खूबसूरत महिला एक जोरदार फांसा मुल्ला जी के गाल पे मारती है और बोलती है, कितनी उम्र और चिकोटी काटते हो? मुल्ला जी बड़े शर्मिंदा हुए और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला वो नीचे देखते हुए गर्दन झुकाते हुए बोलते हैं कि बेगम खुदा की कसम मैंने चिकोटी नहीं काटी। तो बेगम ने कहा, इसमें कसम खाने वाली कौन सी बात है, मुझे पता है। कहाँ मैंने काटी थी, तुम उसे ऐसे घूर रहे थे तो मेरा दिल किया कि मैं आपको एक जोरदार तमाचा मारूं, तो बेगम आप मार लेती। तो सामने से जवाब आया, थर्ड पार्टी, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाई थर्ड पार्टी। और हम हमेशा तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखते हैं, समझते हैं चीजों को। नेक्स्ट वन इज इट्स क्रिएट्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट। एडिफिकेशन है, अगर आपके यहाँ एडिफिकेशन का माहौल है तो वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है।
हम बोलते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा जी, एक बार माहौल बनने दो फिर बढ़ेगा, क्योंकि दुनिया में हर जगह नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी तो आजकल कहीं कहीं मिलती है, मंदिरों में मिलती है, सत्संग में मिलती है, या मिलती है कैंगन की इस सुबह सुबह जूम मीटिंग में। किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से पूछा कि एनीथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, तो सामने से जवाब आया यस, आई एम HIV पॉजिटिव। तो पॉजिटिविटी तो इतनी सी बची है दुनिया में आजकल, कहीं HIV पॉजिटिव के रूप में, कहीं कोरोना पॉजिटिव के रूप में, हर जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। और नहीं भी है तो बना देते हैं लोग। एक व्यक्ति था, सुबह सुबह अपनी ब्रेड को मक्खन लगा रहा था और बोल रहा था जमाना खराब है, ये है वो है, अच्छाई का तो टाइम ही नहीं है। पत्नी को तो पता था कि ऐसा ही है। पत्नी ने कहा मसलन, तो उसने जवाब दिया मसलन ये ब्रेड जो है जिसके मैंने मक्खन लगा रखा है, अगर ये मेरे हाथ से गिर जाए तो ये उसी साइड से गिरेगी जिस साइड से मक्खन लगाया हुआ है, ताकि ये दोबारा यूज ना हो जाए। पत्नी का शर्त लगाओ, क्योंकि वो भी परेशान हो चुकी थी। शर्त लगी, पत्नी का छोड़ो अब, और जैसे ही ब्रेड को छोड़ा गया तो उस बार वो उस साइड से नहीं गिरी जिस साइड से मक्खन लगा हुआ था। शर्त हार गया बंदा। तो पत्नी बोलती है क्या बोलो, तो सामने वाला कैसा तो होता ही है, ये गिरी तो उसी साइड से ही है, लेकिन ये अलग बात है कि मैंने मक्खन है वो दूसरी साइड में लगा दिया था। तो हर जगह नेगेटिविटी नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी कहीं नहीं है, पॉजिटिव कोई देखता ही नहीं है चीजों को। इट मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल। एडिफिकेशन है वो लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। आज अगर पिछले 2 दिन से दीपक सर मेरा एडिफिकेशन कर रहे हैं, तो मैं कॉन्शियस होके आया हूं कि मैं उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूं, और इसके लिए मैंने तैयारी भी की है। अगर हम अपनी टीम में किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर है वो बहुत है, आप बहुत तेजी से बिजनेस को सीख रहे हैं, आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगर वो नहीं भी बढ़ रहा है तो वो प्रयास करेगा कि ऐसा हो। एडिफिकेशन में ये ताकत है। और एडिफिकेशन जो है वो किसी व्यक्ति की नहीं करनी है, उसके गुणों की करनी है। किसी व्यक्ति के लिए ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि आप बहुत अच्छे आदमी हो। जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है वो उनके गुणों का, अगर आप बखान करते हो, एडिफिकेशन करते हो कि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आपने जो मेरी मदद की, उनके एक एक गुणों को अगर एडिफाई करेंगे। और एडिफिकेशन कभी भी सिर्फ मुंह से नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट ओनली ए ओरल प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप सिर्फ मुंह से बताएंगे, बोलेंगे, एडिफिकेशन करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो वो चापलूसी है। वो अंदर से निकलनी चाहिए आपके दिल से, और दिल से किया गया, की गई एडिफिकेशन या प्रशंसा ही काम करती है। तो सिर्फ मुंह से जो बोला जाता है वो चापलूसी है, और सब लोग समझते हैं, इतना दिमाग सब रखते हैं, सब खाना खाके सोते हैं। नेक्स्ट वन, इट मेक पीपल अलर्ट एंड केयरफुल। ये लोगों को अलर्ट और केयरफुल बनाती है। अगर मेरे जैसा कोई आदमी है और अपनी अपलाइन का प्रमोशन करता है, खुलिए हालात से, मान लीजिए कि अपलाइन जो है वो वैसी नहीं है जैसा प्रमोट किया गया, तो यहां पे 2 चीजें होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई आदमी पॉजिटिव है और जो अपलाइन हुलिया हालात से सही नहीं दिख रही, लेकिन एक चीज खास है कि उसको पैसे आ रहे हैं, तो पॉजिटिव आदमी ये सोचेगा कि ये साधारण सा दिखने वाला आदमी अगर पैसे कमा सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, तो वो अलर्ट हो जाएगा। अब अगर किसी आदमी को पता चल जाए कि आने वाले, जिस तरीके से सुभाष जी मंडा है, उन्होंने पिछले 2 सालों में 1 करोड़ के लगभग कमाए, और किसी को यह विश्वास हो जाए कि आने वाले 2 सालों में मुझे भी इस बिजनेस से 2 करोड़ रुपए आएंगे, तो क्या वो अपने आप को नहीं बदलेगा? क्या वो अलर्ट नहीं हो जाएगा? मान लीजिए कि हमारे घर में एक बहुत पुरानी चेयर पड़ी है और हमने उसको स्टोर में रख रखा है कबाड़ के साथ, और वो मिट्टी से भरी हुई पड़ी है, लेकिन एक पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ आते हैं और उस चेयर को देखते हैं और बोलते हैं कि ये चेयर, इसको मैंने पहचान लिया, इस चेयर पे तो वो फला फला राजा बैठा करते थे।
ये तो बहुत एंटीक पीस है, और एंटीक वैल्यू अगर पता हो तो वो उन चीजों की होती है जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हो, और ये 98 साल पुरानी हो चुकी है, और 2 साल के बाद में इस चेयर की जो वैल्यू है वो 2 करोड़ से भी ज्यादा बिकेगी है। और ये ऐसा कह के वो चला जाए पुरातत्व विभाग का विशेषज्ञ, तो क्या उसके जाने के बाद में वो चेयर वहीं पड़ी रहेगी मिट्टी से सनी हुई? क्या आप उसको चमका के नहीं रखेंगे? अगर उसके लिए 1 लाख रुपए की तिजोरी भी लानी पड़े ना तो लाएंगे आप, क्योंकि आपको पता चल गया कि 2 साल के बाद में ये करोड़ों में बिकने वाली है। एडिफिकेशन जो है वो आदमी को अलर्ट और केयरफुल करती है। मैं दिल्ली के प्रोग्राम में गया, और दिल्ली के प्रोग्राम में जाके मैंने क्या देखा कि वहां पे लोगों को स्टेज पे इनवाइट कर रहे हैं और लोग अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। तो वहां पे ओम जी कुरी आए थे, सीकर से हैं हमारे एक लीडर, और वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो मैं बड़ा रिलेट किया उनसे जब उन्होंने बताया कि पिछले कुछ साल से मैं कर रहा हूं और मेरी इनकम जो है वो 3 करोड़ से भी ऊपर है। तो मुझे लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और अगर किसी को लग जाए कि आने वाले 2 साल में इस बिजनेस से 2 करोड़ रुपए आएंगे, तो क्या उसी स्पीड में वो बाइक चलाएगा? क्या उसी लहजे में बातचीत करता रहेगा? खुद को बदलेगा ना? अगर अपने सही तरीके से एडिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो लोग बदलते हैं, उनको एहसास होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि शादी के 5 4 दिन पहले जब लड़का और लड़की है उसको घर में बंद रखते हैं, इसलिए नहीं कि वो कहीं भाग ना जाए, इसलिए कि आने वाले जो 5 4 दिन होते हैं वो समाज के लिए, परिवार के लिए, कुछ रिश्तों के लिए कुछ खास होते हैं, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो बड़ी सावधानी बरती जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, बहुत बड़ा प्रयोजन होने वाला है, उसमें कोई व्यवधान विघ्न ना आ जाए, तो बड़ी सावधानी बरती जाती है। अगर हमें पता चले कि 3 दिन बाद में हमारी शादी है तो हम सचेत रहेंगे या नहीं रहेंगे जी? हेलमेट लगा के कार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? तो एडिफिकेशन मेक्स पीपल अलर्ट एंड केयरफुल, यह लोगों को अलर्ट और केयरफुल बनाता है। नेक्स्ट वन इज इट मोड एंड सेव पीपल इन राइट डायरेक्शन। एडिफिकेशन जो है वो लोगों को मोल्ड एंड सेव करता है सही दिशा में, सही दिशा में ढालता है वो। आज तक हमने क्या सीखा कि लोगों को सुधारने का तरीका है दंड, उनकी आलोचना करना, उनकी कमियां निकालना, जो सही तरीका नहीं है। लोगों का सुधारने का जो सबसे अच्छा तरीका है उनकी अच्छाइयों के बारे में प्रशंसा करना। अगर हम किसी के गुणों के बारे में प्रशंसा करते हैं तो वो लोग वैसे अच्छे अच्छे बोलने से अच्छे अच्छे बनने का प्रयास करते हैं। और एडिफिकेशन है वो लोगों को अच्छा अच्छा बोल के अच्छा बनाने की प्रक्रिया ही है। और जब हम लोगों को अच्छा अच्छा बोलते हैं तो वो अपने आप को अच्छी दिशा में शेप वाइज मोल्ड करते हैं। तो इट मेक्स, नेक्स्ट वन है इट मेक्स पीपल लिसनर डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट। अगर हम एडिफाई करते हैं प्रोडक्ट को, कंपनी को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, तो आदमी जो है वो लिसनर बन जाता है, ओबीडियंट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। मेरे घर में कोई मेरा दोस्त आया हुआ है और मैं उसको बोलूं, दो तरीके से अगर बोलते हैं अपने, मैं उसको बोलूं कि अभी जो व्यक्ति आने वाला है वो मेरा दोस्त है, तो मिलेगा और बात खत्म। लेकिन अगर मैं मेरी अपलाइन का इस तरीके से प्रमोशन करता हूं कि अभी जो व्यक्ति आने वाले हैं वो 19 साल की उम्र में अमेरिका गए, वहां पे जाके उन्होंने 4 साल तक एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद में वो इंडिया लौटे, और इंडिया लौटने के बाद में वो टाटा स्टील के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने हेड किया और 4 साल तक वहां जॉब की। उसके बाद में उन्होंने वो जॉब छोड़ी और एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके वो ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ टीम को कोचिंग देने के लिए गए। 4 साल तक वो ऑस्ट्रेलिया रहे और अभी वो इंडिया में है। अगर इस तरीके से एडिफाई किया जाए
तो सामने वाला सुनेगा आपकी अपलाइन को, जो भी आपकी अपलाइन के गुण हैं, उनकी काबिलियत है, जो उन्होंने पिछली जिंदगी में किया और जो अभी वो कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपकी अपलाइन अगर खांसेगी भी तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकाला जाएगा। और आदमी का बेसिक स्वभाव है वो शासन करने का नहीं है, शासित होने का है, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति से। आदमी का जो बेसिक स्वभाव है वो शासन करने का नहीं है, शासित होने का है, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति से। मैं अपनी अपलाइन सुभाषी मंडा से किसी नए व्यक्ति को मिलाता हूं और उनको बढ़िया तरीके से एडिफाई करता हूं, और उसके बाद में मिलाता हूं, और सुभाष जी अगर उस नए व्यक्ति को बोलते हैं कि इस बिजनेस में कामयाबी के लिए आपको आने वाले 1 साल तक लगातार जूम मीटिंग में सुबह आना पड़ेगा, जो 6:30 बजे से लेकर 8:15 बजे तक होती है, तो सुभाष जी की नजर में वो व्यक्ति, उसका रसूख कम ना हो जाए सिर्फ इसलिए वो 6:30 बजे मीटिंग में मिलेगा, अगर मैंने सुभाष जी का सही तरीके से एडिफिकेशन किया है तो। एडिफिकेशन जो है आदमी को लिसनर बनाती है और ओबीडियंट बनाती है। नेक्स्ट वन, इट हैंडल्स ऑब्जेक्शन। अब मार्केट में जाते हैं, लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो वहां पे बहुत से सवाल आते हैं सामने से, सैकड़ों सवाल है लोगों की, पता नहीं क्या क्या। और आपके एरिया में एक सेमिनार होने वाला है जहां पे आपके सीनियर अपलाइन आने वाले हैं, और जब भी कोई सवाल आए आप उनको बोलें कि आप उनसे पूछना और अपनी अपलाइन का बढ़िया तरीके से एडिफिकेशन करते हैं। मेरा दावा है कि अगर आपने अपलाइन का सही तरीके से एडिफिकेशन किया और जब वो आपकी अपलाइन से मिलेगा तो 90% सवाल वैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके। अभी 6 अगस्त को सुदेशर आए हनुमानगढ़ में, हमने पिछले 2 महीने से तैयारी की उनकी, और उनको इतना एडिफाई किया, मीटिंग से सेमिनार से 10 दिन पहले, पिछले 10 दिनों में दीपक सर ने सुभाष जी के ग्रुप की 3 जूम मीटिंगें ली, और उन जूम मीटिंगों में भी बार बार सुदेश सर को एडिफाई किया गया। दीपक सर ने तो यहां तक बोला एक जगह कि देखिए सुदेश जी बहुत शानदार इंसान है, लेकिन उनकी एक खूबी है कि वो डिसिप्लिन भी उतने उतने ही है। कई बार क्या होता है कि मीटिंग 10 बजे की है लेकिन वो 8 बजे वेन्यू पे आ जाते हैं, और अगर वेन्यू पे कोई उस टाइम नहीं मिला तो वो मीटिंग छोड़ के भी जा सकते हैं, और उस एडिफिकेशन की वजह से जितने भी सीनियर लीडर थे वो 7:30 बजे वेन्यू पे पहुंच गए थे। 7:30 तो छोड़िए, हमने पहले दिन 5 बजे टोटल चेयर्स, साउंड, एलईडी वगैरह सब अरेंज कर दिया था। और मजे की बात यह है, दूसरे दिन तो छोड़ो, पहले दिन शाम को ही रात को 9 बजे सुदेश सर वेन्यू पे आ गए थे, और तब वहां हम सभी वहीं थे। सुभाष जी मंडिया ने एक और एडिफिकेशन किया उस जून मीटिंग में कि सुदेश जी एक मामले में बहुत ज्यादा और डिसिप्लिन है, कि जब वो मीटिंग में होते हैं तो या वो स्टेज पे होते हैं या गेट पे होते हैं, और अगर कोई वक्ता स्टेज पे चढ़ गया तो जब तक उस वो स्पीच करेगा तब तक वो किसी भी आदमी को अंदर नहीं घुसने देते, अगर गेट पे हो तो, जब तक इनकी स्पीच खत्म हो जाए उसके बाद में घुसना। और मैं एक बार सिकपर में सुभाष जी ने बताया कि मैं अपने लोगों को लेके गया और मैं थोड़ा लेट हो गया, तो जो वक्ता स्टेज पे था उसके उतरने के बाद में ही हमें अंदर घुसने दिया, तो हमने ये चीज को प्रमोट किया। हमने कहा कि भैया 10:30 बजे का प्रोग्राम है तो 10:30 बजे अपने लोगों को लेके पहुंचना, वरना हो सकता है कि सुदेश सर आपको अंदर घुसने दे या ना दे, क्योंकि वो डिसिप्लिन है तो है, उनकी कामयाबी का राज यही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 425 चेयर लगी हुई थी और 10:30 बजे 450 लोग हॉल के अंदर थे और 200 लोग बाहर, 650 लोग थे। और जब मैंने उन लोगों से हाथ खड़े करवाए कि ऐसे कितने लोग हैं जो नए हैं, तो 650 में से 550 लोग नए थे, और सुदेश सर ने बोला कि कई बार इस तरीके का जो प्रोग्राम है वो रिस्की हो जाता है नए लोगों के साथ, कि किसी के सवाल जवाब आने शुरू हो गए तो जो सेमिनार है उसकी दिशा ही बदल जाती है, लेकिन हमने लोगों को इस तरीके से एडिफाई किया हुआ था, सवाल तो छोड़िए लोगों की सांस की तक आवाज नहीं आई, उन्होंने सांस से भी सोच के निकाली।
इस तरीके से एडिफिकेशन किया हुआ था। तो एडिफिकेशन के मायने हैं कि जब आप एडिफाई करते हैं तो ऑब्जेक्शंस जो हैं उसको भी हैंडल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट मेक्स पीपल कंफर्टेबल। अगर आप सही तरीके से एडिफिकेशन करते हैं प्रोडक्ट का, अपलाइन का, बिजनेस का, और सही दिशा में आप लोगों को एक डाल पाते हैं तो लोगों को कंफर्टेबल भी करता है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, वो कंफर्टेबल नहीं है, और उस व्यक्ति को अगर 3 दिन के लिए अगर गुरुकुल भेज दिया जाए तो मेरी गारंटी है कि उसके सारे शक हैं वो खत्म हो जाएंगे। अगर मैं लकी हूं कि मैं 3 दिन के लिए सुदेश सर के यहाँ गुरुकुल में रहा, और मेरी 47 साल की उम्र में अगर मैं देखूं, मेरी जिंदगी के सारे दिन अलग और उन 3 दिनों को अलग करूं, तो ये 3 दिन मेरे जिंदगी के बाकी बचे हुए दिनों के ऊपर भारी पड़ते हैं। मैंने इतना सीखा, मैं इतना कंफर्टेबल होके आया वापस वहां से। उनका जो बताने का, उनका जो सिखाने का तरीका है, वो एक शब्द बोलते हैं वो दिल में घर कर जाता है, और जिस तरीके से बोलते हैं, उनका जो अंदाज है कि गलती सही सही, आप बिल्कुल सही जगह और सही टीम में आ गए हो। तो एडिफिकेशन जो है वो लोगों को कंफर्टेबल बनाता है। और अभी ये क्या है और क्या क्या काम करता है तो उस पर हमने बात करी। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे करना, कैसे है एडिफिकेशन। ऑलवेज इन एक्शन, नॉट इन वर्ड्स ओनली। एडिफिकेशन जो है वो एक्शन में होना चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं। अगर आप अपनी अपलायन को एडिफाई करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनकी मौजूदगी में आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता लगना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब वो आए तो आप दौड़ के उनकी गाड़ी का दरवाजा खोलें, उनकी खिड़की खोलें, वो आए तो उनका बैग पकड़ें, उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट, उनकी चेयर की व्यवस्था जो है वो आप करें, किस तरीके से करते हैं। और जब वो बोल रहे हैं तो आप किस तरीके से उनको सुन रहे हैं, वो सारी चीजें मायने रखती हैं। कई बार क्या होता है कि हम मॉडिफाई तो करते हैं शब्दों में, लेकिन जैसे ही अपलाइन ने बोलना शुरू किया, लोग बीच में टोका टाकी करते हैं कि छोड़िए अभी मैं आगे मैं बताता हूं। इंटरप्शन इज बिगेस्ट डी एडिफिकेशन। अगर आप अपलाइन को बोलते हुए बीच में टोका टोकी करते हैं तो ये सबसे बड़ा डी एडिफिकेशन है। तो एडिफिकेशन जो है वो हमेशा आपके एक्शन में होना चाहिए, सिर्फ शब्दों में नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी भी आदमी को बगैर एडिफाई किए पानी भी शेयर किया तो नहीं पिएगा और उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने सही तरीके से एडिफाई करके पानी शेयर किया वो पिएगा, तभी रिजल्ट आएगा। अगर हम किसी बुक को रिकमेंड करते हैं, एडिफाई करते हैं, और सिर्फ बुक को एडिफाई करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उनको एक एक करके अगर एडिफाई नहीं करते हैं तो किताब को पढ़ेगा भी नहीं। नेक्स्ट, जब हम अपनी अपलायंस से किसी नए व्यक्ति को मिलाते हैं तो एडिफिकेशन जो है वो अपलाइन का करना है, नए व्यक्ति का नहीं करना है। एडिफिकेशन हमेशा अपलाइन का होना चाहिए, और एडिफिकेशन अपलाइन का करेंगे तभी वो नया व्यक्ति उनको सुनेगा। अगर एडिफिकेशन नए व्यक्ति का कर दिया तो वही बात है कि लोग शासन नहीं, शासित तो होना चाहते हैं, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति से। और आपने योग्य अपलाइन से उनको ठहराया, दो तरीके से आप मिलवा सकते हैं। जब भी हम अपने नए व्यक्ति से अपलाइन को मिलवाते हैं तो एडिफिकेशन है वो अपलाइन का करना है, और किस तरीके से करना है कि अगर मैं सुभाजी से मिलवाऊं किसी नए व्यक्ति को, तो सबसे पहले जो मैं उनके बारे में उनकी खूबियों को बताऊं, उनके बारे में बताऊं कि सर मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलाना, और एडिफिकेशन पीठ पीछे ही हो जानी चाहिए, उनसे मिलवाने से पहले हो जानी चाहिए।
कई जगहों पे कई मौकों पे अपने टाइम नहीं मिलता तो वो एक अलग बात है। और उनसे मिलवाने से पहले मैं ये बोलूं उसको कि जिस व्यक्ति से मैं मिलवाने जा रहा हूं वो शख्स है जिन्होंने मुझे ये बिजनेस सिखाया, जिनके सानिध्य में रहते हुए मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूं। आज वो इंडिया लेवल के लीडर हैं, बहुत बड़ा उनका बिजनेस है। इससे पहले भी उन्होंने डी फार्मा किया, डी फार्मा करने के बाद में उन्होंने मैनकाइंड कंपनी में जॉब शुरू किया। उन्होंने एक छोटे लेवल से जॉब शुरू किया था, लेकिन जब उन्होंने मैनकाइंड कंपनी को छोड़ा उस टाइम वो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ रीजन के जो हेड थे। उसके बाद में उनके एक रिश्तेदार है जोधपुर में, जिन्होंने एक हॉस्पिटल खोला, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिसमें 10 से ज्यादा डॉक्टर सेवाएं देते थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज हमारे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट संभालिए। उन्होंने उस हॉस्पिटल को 6-7 साल तक मैनेज किया और बहुत अच्छे लेवल पे लेके गए। उसके साथ साथ क्योंकि उनके दिल में कसक थी कि एक समाज सेवा भी की जाए, तो उन्होंने साथ साथ कैंगन को भी शुरू किया। और कैंगन को शुरू करने के बाद में आज 500 से ज्यादा लोगों की उनकी टीम है। उनका जो मंथली टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से ऊपर जाता है। और मजे की बात यह है कि उनकी वजह से उस 1.5 करोड़ में से 60 से 70 लाख रुपए जो है वो लोगों में बंटते हैं। उनकी टीम में 20 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो 1 लाख से 4 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं, और उसमें से एक मैं भी हूं। इस तरीके के वो व्यक्तित्व है कि आज उनकी वजह से बहुत से लोग हैं जो कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मिलाया जाए कि सर, अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो सामने वाला चाहे जो भी है वो अपने से अच्छे व्यक्ति को ही सुनना पसंद करेगा। ये एक अच्छा तरीका है अपनी अपलाइन से मिलवाने का, बात करवाने का। दूसरा बुरा तरीका क्या है, और मोस्टली लोग इसी को ज्यादा फॉलो करते हैं कि वो नए आदमी को लेके आते हैं। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो नया है और मैं अपनी अपलाइन से मिलवाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि सर ये प्रदीप है और ये मेरा दोस्त है, इसने अमेरिका से एमबीए किया, उसके बाद में ये इंडिया आया, इंडिया में आने के बाद में इसने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और इस फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता है वो दुनिया में 2 ही फैक्ट्रियां बनाती है, एक अमेरिका में और एक इंडिया में। इसके अलावा ये हनुमानगढ़ के लॉयंस क्लब के जो है सदस्य हैं। इसके अलावा एक एनजीओ के ये चेयरपर्सन है और वो एनजीओ इंडिया में बहुत सी उसकी शाखाएं हैं, मलेशिया में भी, कनाडा में भी उसकी शाखाएं हैं, उसको वो हेड करते हैं और वो 2 करोड़ तो डोनेशन देते हैं साल को इस तरीके की एनजीओ में। तो प्रदीप जी, ये है मेरी अपलाइन सुभाष जी। जो मैंने पहले एडिफिकेशन किया तो उसमें जो सुभाष जी का जो लेवल था वो ऊपर हुआ और वो आदमी सुनने के लिए तैयार हुआ। हालांकि उस व्यक्ति के बारे में भी जो बोला वो भी सही है, मैंने उस व्यक्ति के बारे में जो बोला वो भी सही है, लेकिन उससे जब मैंने सामने प्रमोट किया आदमी को तो उस टाइम क्या हुआ कि जो सुभाष जी का जो लेवल था वो डीप 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 डाउन हुआ और उस व्यक्ति का ऊपर हुआ। तो वो क्यों सुनेगा सुभाष जी को उसे उस लेवल पे। एडिफिकेशन जो करना है सही तरीके से अगर अपने करेंगे तो ही वो अपने उसको प्रभावी रूप से कार्य काम वो कर पाएगा। तो एडिफिकेशन जो है हमेशा अपलाइन का करना चाहिए, नए व्यक्ति का नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो सुनने के मोड में आ जाए। नेक्स्ट वन एडिफिकेशन जो है वो बाई बैक एडिफिकेशन भी करना चाहिए। एडिफिकेशन, बाय बैक एडिफिकेशन। अगर कोई नया व्यक्ति को लेके आता है कोई अपनी अपलाइन के सामने, तो अपलाइन का क्या फर्ज बनता है? अपलाइन का फर्ज बनता है कि उस व्यक्ति को एडिफाई करे नए व्यक्ति के सामने, क्योंकि अपलाइन के जाने के बाद में वो व्यक्ति उसको तभी सुनेगा। मान लीजिए कि मैं एक नए व्यक्ति को लेके आता हूं, प्रदीप जी मेरी अपलाइन है, मैं प्रदीप जी के सामने नए व्यक्ति को लेके आता हूं, उसका नाम है भूपेंद्र और मैं मिलवाता हूं,
प्रदीप जी मेरी अपलाइन है, वो नया व्यक्ति भूपेंद्र है, तो प्रदीप जी का ये फर्ज बनता है कि वो सबसे पहले उस व्यक्ति के सामने मुझे आइडेंटिफाई करें, ताकि वो उनके जाने के बाद में मेरी बातों को सुने। तो प्रदीप जी का फर्ज बनता है कि भूपेंद्र जी, शैलेंद्र जी आपके अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है कि आप उनको सही से ट्रीट ना करते हो, लेकिन इस बिजनेस में उनका बहुत बड़ा लेवल है, वो बहुत अच्छे लेवल पे हैं और आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में देखेंगे तो ये इस बिजनेस के हर उस मुकाम को अचीव करेंगे जो इसमें बनाया गया है। अगर इस तरीके से एडिफिकेशन करके हम अपनी अपलाइन के सामने लेके जाएंगे, और अपलाइन इस तरीके से बाई बैक एडिफिकेशन करती है, तो वो आदमी सुनेगा बाद में। इस दुनिया में, इस बिजनेस में अगर अपने को कोई बाई बैक एडिफाई कर सकता है, तो वो सिर्फ वो आदमी है जो हमारी अपलाइन है। ऑफ कोर्स क्रॉस लाइन भी कर सकती है, लेकिन जिसके फाइनेंशियल हित जुड़े हैं हमारे साथ, वो अपने को बढ़िया तरीके से एडिफाई कर सकते हैं। तो अपलाइन का ये फर्ज बनता है कि जब भी कोई नए आदमी से कोई आपकी डाउनलाइन मिलाए, तो उस आपकी डाउनलाइन को उस नए आदमी के सामने इस तरीके से प्रमोट करो कि आपकी अनुपस्थिति में वो हमेशा उसको सुनने के लिए, उससे सीखने के लिए तैयार रहे। नेक्स्ट वन इज एडिफिकेशन मेक्स पीपल टारगेट ओरिएंटेड। एडिफिकेशन है वो लोगों को हमेशा टारगेट ओरिएंटेड बनाता है। किस तरीके से? मान लीजिए कि हम अभी हमने 6 अगस्त को एक प्रोग्राम किया, और 6 अगस्त को प्रोग्राम करने के लिए हमने जितने भी पिन अचीवर थे उन सभी को बहुत बढ़िया तरीके से वहां पे ट्रीट किया। बहुत बढ़िया तरीके से जब उनको ट्रीट किया, उनको मालाएं पहनाई गई, उनके पीछे पटाखे फोड़े गए, और जब उनको मालाएं और पटाखे फोड़े गए, बढ़िया तरीके से उनको स्टेज पे इनवाइट किया गया, तो हर आदमी को लगा कि यार ये करने से ये मिलता है कि 6 लेवल पे पहुंचने पे, 5 लेवल पे पहुंचने पे ऐसा सम्मान होता है, मुझे भी मरना है। तो लोग टारगेट लेके काम करते हैं, तो एडिफिकेशन जो है वो लोगों को टारगेट ओरिएंटेड बनाता है। एडिफिकेशन क्रिएट्स हेल्दी कंपटीशन। एडिफिकेशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करता है। अगर हम अंदर से अच्छे हैं, हम सबका भला चाहते हैं, सबका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो अपनी डाउनलाइन हो, चाहे अपलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, अगर हम सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हैं, बोलते हैं, तो एक हेल्दी कंपटीशन बनता है। क्योंकि आज सबका चलेगा तो अपना चलेगा, और अपने सिर्फ ये सोचे कि अपना ही चलेगा तो फिर किसी का नहीं चलेगा। इस बिजनेस में हम किसी का बिजनेस खराब करेंगे तो लॉ ऑफ नेचर क्या है, प्रकृति क्या बोलती है? लॉ ऑफ नेचर बोलता है कि हम जो बोएंगे वो काटेंगे। अगर आज हम किसी का बिगाड़ेंगे तो कोई दूसरा हमारा बिगाड़ेगा। इस बिजनेस में कामयाबी मिले लेकिन आसानी से किसी को ना मिले, ताकि वो हर नए व्यक्ति के दर्द को समझ पाए। क्योंकि अगर आसानी से कामयाबी मिल जाए तो वो जो नया व्यक्ति है उसके दर्द को समझ नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो वो उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करेगा। कि जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसी काम से किसी दूसरे का खून भी जल रहा है, उसका दूसरे का दिल भी दुख रहा है? तो हेल्दी कंपटीशन बनाना है। फूल कदमों तले आता है तो रुक जाता हूं, तेरे जैसी ये जमाने मेरी रफ्तार नहीं। बिजनेस बढ़ाना है लेकिन किसी का बिगाड़ के नहीं बढ़ाना है, लोगों का बिजनेस बढ़ा के अपना बढ़ाना है साथ में। एक स्टोरी से मैं खत्म करना चाहूंगा कि पुराने टाइम में अगर अपने देखें तो जो शिक्षा होती थी, शिक्षा पद्धति हमेशा गुरुकुल में होती थी, तो वहां पे आचार्य रहते थे जो शिक्षा देते थे। एक राजा था, उनका एक बेटा था, और राजा का जो बेटा था वो आने वाले 1 साल के बाद में राजा बनने वाला था, तो उसकी 1 साल की जो पढ़ाई थी वो बाकी रह गई थी। तो 1 साल का उसका कोई अध्ययन था जो गुरुकुल में जाके उसको करना था, तो
आचार्य आए, उसको अपने साथ गुरुकुल में ले गए। 1 साल की पढ़ाई उसकी जैसे ही खत्म होने वाली थी, तो उस टाइम क्योंकि आने वाले बाद में दिनों में वो राजा बनने वाला था, तो एक दिन पहले, जिस दिन वो राजा बनने के पहले, वो जब वो आने वाला था राज्य में राजकुमार, तो राजा ने बड़ी तैयारियां की। अपने सभी जो मंत्रीगण है उनको, अपने सहयोगियों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को इनवाइट करवाया कि आज मेरा बेटा आने वाला है और कल उसका राज्याभिषेक है। जनता को बड़ा स्टेज तैयार किया गया और बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया। लेकिन जैसे ही वो राजकुमार दाखिल हुआ, वो आया, तो सारा मंजर बदल गया। क्योंकि वो राजकुमार जो था, उसके शरीर पे चिथड़े लिपटे हुए थे, उसके शरीर पे मैल जमा हुआ था। वो आचार्य भी साथ में थे, उन्होंने अपने बिस्तर की एक गठरी बना रखी थी, और वो गठरी थी वो राजकुमार के सिर पे रखी हुई थी। तो राजा को गुस्सा आया बड़ा कि ये क्या बेहूदगी है, मैं तुम्हें फांसी चढ़ा दूंगा। तो आचार्य ने बोला, चुप, अभी 12 बजे नहीं है, अभी इसकी ट्रेनिंग का 1 घंटा और पड़ा है, उसके बाद में बोलना कुछ। तो तभी वो आचार्य उस बिस्तर में से खोलता है और उसमें से एक हंटर निकालता है, और हंटर निकालने के बाद में उस राजकुमार को जमीन पे लेटा के उसपे ऊपर कोड़े बरसाने शुरू कर देता है। तो राजा फिर उठता है और गुस्से से बोलता है, तो लोग कहते हैं, रुकिए, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये जो आचार्य हैं वो गुरु हैं, कुछ तो वजह रही होगी, आप पूछिए तो सही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जब उससे पूछा गया, तो आचार्य ने जो जवाब दिया कि मैंने पिछले 1 साल में उसे हर वो काम करवाया जो राजा बनने के बाद में इसको मौका नहीं मिलेगा। पिछले 1 साल में मैंने हर वो काम करवाया जो राजा बनने के बाद में इसको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा के शरीर पे चिथड़े नहीं होते, राजा के शरीर पे मेल नहीं होता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता, राजा के कोड़े नहीं लगाए जाते, और कल को ये जब राजा बनेगा, ऐसी चीजें इनके सामने आएंगी कि वो लोगों को देखेगा चिथड़े में लिपटे हुए, वो लोगों को देखेगा कि उनके शरीर पे मेल है, वो लोगों से अपने बिस्तर उठवाएगा और लोगों से वो कोड़े भी लगवाएगा। लेकिन अगर ये चीज उसके अनुभव से नहीं गुजरी हो, तो उसको पता कैसे लगेगा? जब लोगों के साथ ये काम करे, तो उसको पता तो हो कि ऐसा होता है तो कैसा लगता है। तो आप सबको कामयाबी मिले, लेकिन आसानी से ना मिले, क्योंकि जब आपकी टीम में लोगों को दर्द हो, तो आप उस दर्द से गुजरे हुए होंगे, तभी आप उसको महसूस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।